गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग अब एक टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ें जो आपके टेस्ट में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। कैमल हैज़ अ, कैमल को क्या है? ए में सेल, बी में हम, सी में स्ट्राइप्स। क्या होगा? क्या था कैमल को? हम, यानी कि ऑप्शन बी। Who has a sting? किसके पास स्टिंग है? बी के पास, मंकी के पास या जेब्रा के पास? किसके पास है? तो बी के पास। स्लीपी फ्लो इज फॉरगेट समथिंग। स्लीपी फ्लो क्या भूल गई थी? ब्रशिंग करना, ब्रेकफास्ट या बाथिंग। तो वो क्या बोली थी तीनों में? ए, बी, सी में कौन सा ऑप्शन बोली थी? वो सी भूल गई थी। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ टाइनी? टाइनी का अपोजिट क्या होता है? बिग। ए में बिग है, बी में फार और सी में डाउन। तो क्या होगा? राइट आंसर होगा बिग। डज द टॉल ट्री हेल्प द लिटिल जिराफ? यस या नो, दो ऑप्शन है इसमें। तो आपको क्या था पढ़े ना, तो उसमें क्या था? नो, वो टॉल ट्री ने लिटिल जिराफ का हेल्प नहीं किया। ताजमहल इज अ, ताजमहल क्या है? नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑल नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। तो ताजमहल नाम है। यहाँ नंबर 7 में है, राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ द कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए कौन सा राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होगा बताइए? तो रेड होगा, सॉफ्ट होगा या हॉट होगा? तो यहाँ ऑप्शन सी होगा, कॉफ़ी हॉट। द लिटिल जिराफ वॉन्ट्स टू, द लिटिल जिराफ क्या बात चाहता था? मून, सन या स्टार्स? क्या चाहता था? वो स्टार चाहता था। रिया इज, कितने इयर्स ओल्ड थी रिया? 5 years, 6 years या 7 years? 5 years थी, तो यहाँ आप 5 फिल करेंगे या ए पे अपोजिट, एस पे टिक लगाएंगे। एवरी नाइट ममा गिव्स मी, हर रात ममा मुझे क्या देती है? केक, किस या टॉफी? तो आपने पोएम में पढ़ा था ना, मम्मा क्या देती है हर रात उसे? किस देती है, यानी ऑप्शन बी होगा इसका। राइमिंग वर्ड्स टाइट इज, राइमिंग वर्ड्स इसमें से टाइट का क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो यूज होगा, टू होगा या नाइट होगा? तो नाइट होगा। लिटिल बियर गोज टू द, लिटिल बियर कहाँ गया है? मार्केट या पार्क या मॉल? किस में गया था? तो वो मार्केट गया था ना, उसे भूख लगी थी तो वो मार्केट गया था। तो इसी तरह बच्चों आप अपने लेसन को पढ़ेंगे और याद करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।